नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ग्लोबल एटॉमिक नेटवर्क में स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक के बारे में, एटॉमिक के बारे में, एटॉमिक का प्रोफाइल, बैकग्राउंड, एटॉमिक की हिस्ट्री और एटॉमिक का जो ऑनलाइन ई शॉपिंग पोर्टल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ग्लोबल सेल्स, ग्लोबल सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, मास्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इंटरनेशनली जो एटोमी का जो कंसेप्ट है, जो कंपनी है, किस तरह से बूम हो रही है और डे बाय डे काफ़ी रिकॉर्ड बना रही है, तो सब बातों में के लिए हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एटोमी से रिलेटेड लेटेस्ट टीम वॉरियर की तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये जो ऊपर देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारी डायमंड मास्टर है मिस यूरी वोन साउथ कोरिया से, और साउथ कोरिया से हमारे नेक्स्ट अपलाइन है मिस्टर यो शेरोन रोज मास्टर, और उसके ऊपर जो नेक्स्ट अपलाइन है हमारे कैप्टन जुंगमैन पारक जो कि स्टार मास्टर है और रॉयल क्लब के मेंबर है, और उनसे नेक्स्ट है हमारे इम्पीरियल मास्टर, फोर्थ लेडी इम्पीरियल मास्टर मिस किम। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एटोमी प्रोफाइल के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले ये हमारी इंटरनेशनल टीम है, ये हमारे जो देख रहे हैं आप, ये इम्पीरियल मास्टर है मिस किम। ठीक है, और ये हमारे जो जितने भी आप लीडर देख रहे हैं लेफ्ट और राइट, ये सारे हमारे इंटरनेशनल लीडर हैं। ये डायमंड मास्टर मिस यूरी वोन है और ये कैप्टन जुंगमैन पारक है जो कि स्टार मास्टर है। ठीक है, और काफ़ी बड़ी टीम है हमारी। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने एटोमी ज्वाइन नहीं किया है तो टीम वॉरियर के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टीम वॉरियर का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका पूरा सपोर्ट मिलेगा, और हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम, जैसे एमवे में ब्रिट वर्ल्ड होता था, तो उससे भी कई गुना बेहतर हमने अपना एक एजुकेशन सिस्टम बना रखा है टीम वॉरियर के नाम से। और उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमने कुछ अपने मटेरियल्स रेडी कर रखे हैं, तो जो एजुकेशन मटेरियल है उनमें से ये एक फाइल बना रखी है हमने आप लोगों के लिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा एटोमी के CEO के बारे में। कोई भी कंपनी होती है तो जाहिर सी बात है कि उसका कोई CEO होगा, तो इसका जो CEO का नाम है मिस्टर हैंगिल्स पारक। ठीक है, और ये इसके प्रेसिडेंट है अभी, और इनका जो प्रोमिस है, प्रोफाइल है, फिलोसफी है, काफ़ी अच्छा है। आप जो एटोमी से अगर आप जुड़ते हैं तो आप और आपका जो फ्यूचर है यहाँ पे सिक्योर हो सकता है। और CEO का जो बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इन्होंने MBA कर रखा है वोंग सुंग यूनिवर्सिटी से साउथ कोरिया में, और इनका 17 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का। ठीक है, और जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का है 17 इयर्स का है, और नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक्सपीरियंस है वो 20 साल का। 1995 में इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में काफ़ी अच्छी पोजीशन अचीव की थी, और 99 में ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स क्लब में, और इनको ग्रैंड प्राइज अवार्ड मिला था कोरियन नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक है, और सन 2000 में इन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग मॉल विद 1 लाख प्रोडक्ट्स के साथ, इसका इन्होंने जिम्मा लिया था कि एक ऐसा शॉपिंग मॉल हम बनाएंगे जिसमें 1 लाख प्रोडक्ट ऑनलाइन हो। और 2009 में एटोमी को फाउंडेड किया था, एटोमी की जो कंपनी है वो लॉन्च हुई थी। ठीक है, और 2013 में ये वाइस प्रेसिडेंट बने थे कोरिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के। ठीक है, और 2015 में $70 मिलियन एक्सपोर्ट टावल्स का अवार्ड जीता था इन्होंने, और कोरियन सोसाइटी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन में ये वाइस प्रेसिडेंट बने थे 2015 में, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। और 2018 में डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन ग्रैंड प्राइज इनको मिल चुका है, और 2019 में दोस्तों 11th प्रेसिडेंट ऑफ कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के चुने गए थे, और ये काउंसिल मेंबर ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन WFSDSA के जो मेंबर हैं वो चुने गए थे, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDSA। तो WFDSA के जो मेंबर्स हैं वो गिने चुने हैं, मुश्किल से 5-6-7 CEO है इंटरनेशनली, जो टॉप कंपनियां होती हैं उन्हीं को उनके मेंबर में शामिल किया जाता है, और इसको $100 मिलियन का एक्सपोर्ट टावल अवार्ड मिल चुका है 2019 में। दोस्तों आपके लिए और हमारे लिए, सभी एटोमियंस के लिए काफ़ी गर्व की बात है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि एटोमी का जो ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है, ये पहली ऐसी कंपनी है पूरे वर्ल्ड में जो ऑनलाइन शॉपिंग मॉल चला रही है, ऑनलाइन ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है दोस्तों। ठीक है, ऑनलाइन ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है जिसमें IT सेक्टर भी इन्वॉल्व है, इंटरनेट भी इन्वॉल्व है, ई कॉमर्स वेबसाइट भी इन्वॉल्व है, साथ में MLM और नेटवर्किंग। तो दोस्तों 5 प्लेटफॉर्म एक ही जगह आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ एटोमी में। ठीक है दोस्तों, और एटोमी के जो 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट इसके साउथ कोरिया में चल रहे हैं, हेल्थ जिसमें जो कैटेगरी है, हेल्थ है, ब्यूटी है, बॉडी है, लिविंग है, फूड है, और 14 कंट्रीज़ में एटोमी का काम चल रहा है अभी ऑफिशियली, और इंडिया, चाइना, वियतनाम, टर्की,
इन कंट्रीज़ में अभी इस साल लॉन्चिंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी बड़ा प्रोफाइल है, कोई छोटा मोटा प्रोफाइल नहीं है दोस्तों। ऑनलाइन शॉपिंग मॉल के माध्यम से ये कंपनी काम कर रही है, और एटोमी की जो कंपनी है वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। जैसे अमेजन पे आप प्रोडक्ट ऑनलाइन बाई करते हो, तो अमेजन पे क्या होता है दोस्तों, अमेजन और फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पे आप जो आइटम बाई करते हो, तो आपको आइटम आपके घर पे मिलता है और प्रोडक्ट मिलता है, बस इतना ही मिलता है। और फ्लिपकार्ट और अमेजन पे आप सामान जो भी प्रोडक्ट बाई करते हो, उसको बाई करने से पहले वहाँ पे आपको एक कंज्यूमर आईडी क्रिएट करनी होती है। ठीक है, कंज्यूमर आईडी आप क्रिएट करते हो, फिर उस आईडी पे आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करना है। सेम वे में यहाँ पे आपको एटोमी कंपनी के अंदर एक कंज्यूमर आईडी क्रिएट करनी है। फ्री मेंबरशिप, रजिस्ट्रेशन फ्री है इसमें एब्सोल्युटली। और जैसे आप कंज्यूमर मेंबर आईडी क्रिएट करते हो, तो यहाँ पे आप एटोमी के ग्रुप में शामिल हो जाते हो, और बदले में आपको प्रोडक्ट भी मिलता है दोस्तों, और साथ में प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन की गारंटी भी देती है कंपनी। ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन की गारंटी भी देती है कंपनी आपको, प्रोडक्ट भी मिलता है, और उस प्रोडक्ट के बदले में आपको पॉइंट वैल्यू मिलता है, पीवी। अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग पॉइंट वैल्यू कंपनी ने निर्धारित कर रखा है, और साथ में आपको थर्ड जनरेशन तक एक रेजिडुअल इनकम आती है अगर आप यहाँ पे टीम क्रिएट करते हैं दोस्तों। आपकी लेफ्ट की टीम और राइट की टीम जो प्रोडक्ट बाई करेगी, उनके पॉइंट वैल्यू लेफ्ट के राइट के मैचिंग होंगे, तो आपको कमीशन के रूप में रेजिडुअल इनकम लाइफ लॉन्ग आती रहेगी दोस्तों। ये कोई कंपनी 2-4 साल के लिए नहीं है, ये 10 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है दोस्तों, और ये आने वाले 100 साल का विजन जो कंपनी है वो दे रही है अभी आपको। ठीक है, पिछले 10 साल में क्या हुआ, कोरिया में नंबर वन कंपनी कैसे बनी, 13 तो इसके ग्लोबल ब्रांच हो चुकी है। ठीक है, $1 बिलियन सेल्स का हो चुका है ऑलरेडी, और 5 मिलियन मेंबर इसके पूरे वर्ल्ड में हो चुके हैं 2009 से लेकर के 19 तक दोस्तों। काफ़ी अचीवमेंट किया है कंपनी ने, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नंबर 20 पे आ चुकी है, और मलेशिया में इसको सुपर ब्रांड अवार्ड मिल चुका है, जापान में कंपनी नंबर वन की पोजीशन गेन कर चुकी है, ताइवान की कंपनी ने एटोमी के सीईओ को अवार्ड दिया था, क्योंकि ताइवान जैसे गरीब कंट्री में लोगों की लाइफ चेंज करती है दोस्तों इस कंपनी ने। तो सोचो इंडिया में क्या होने वाला है, आप सोचिए इसके बारे में। ठीक है, तो और मलेशिया और इंडोनेशिया में कंपनी ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेलिंग की है दोस्तों। काफ़ी कंट्री में जैसे ही एटोमी लॉन्च हुई है, तो दोस्तों इमेज कर सकते हो आप, एक वीक में कई कंट्रीज़ में तो स्टॉक खत्म हो गया था। तो कंपनी का इंडिया को लेकर, इसकी मार्केट को लेकर के काफ़ी अच्छा प्लान है, काफ़ी बड़ा प्लान है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कंपनी ने जो पिछले कंट्रीज़ में जो कमी रह गई थी इंडिया में लॉन्च होने से पहले, उन कमी को दूर कर लिया गया है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से लॉन्च होगी। जैसे ये कंपनी लॉन्च होगी, तो इंडिया में दोस्तों दिसंबर 2020 तक हम ये बोल सकते हैं कि 2020 हमारा होगा, आपका होगा, सभी एटोमियंस का होगा, और बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इंडिया अकेला 13 कंट्री के बराबर है इंडिया का जो मार्केट है। ठीक है दोस्तों, तो आप सोच सकते हो हम किस कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एटोमी में कोरिया में नंबर वन है 2009 से दोस्तों। ठीक है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन का प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, 14 कंट्रीज़ में ये ऑफिशियली ऑपरेट हो चुका है अभी, और डायरेक्ट सेल्स में नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में कंपनी से जो आइटम आप ऑनलाइन परचेज करोगे डायरेक्ट आपको मिलेगा, बीच में कोई भी नहीं है। ठीक है, और ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है ये, इसकी वेबसाइट है, अभी जो इंडिया के जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो atomy.kr पे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, सिंगल आईडी ग्लोबल आईडी पे काम हो रहा है दोस्तों। सिंगल आईडी आप किसी भी कंट्री के जो आपके दोस्त लोग हैं उनको ज्वाइन करवा सकते हो, और आप इनकम जनरेट कर सकते हो जब एटोमी इंडिया ऑफिशियल लॉन्च हो जाएगा तब। तो लॉन्चिंग में अभी दोस्तों अप्रैल से जून के बीच कंपनी ने बोला है, अप्रैल से जून के बीच कंपनी Q2 में ऑफिशियली लॉन्चिंग होगी, डेट अभी आई नहीं है। तो आप अभी अपनी आईडी प्लेस कर करके अपनी इंटरनेशनल टीम या इंडिया की टीम क्रिएट कर सकते हो दोस्तों, ताकि जैसे ही एटोमी लॉन्च हो आप सेल्स मास्टर या डायमंड मास्टर का जो मास्टरशिप लेवल है वो आपका रिकॉग्नेशन हो सके और आप उस लेवल को प्राप्त कर सको। ठीक है, नेक्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन का जो है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। एटोमी क्या है, एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, ये प्रोडक्ट नहीं बनाता खुद, ये सिर्फ प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। प्रोडक्ट का बनाने का काम जो है कोलमार की कंपनी करती है, एक साउथ कोरिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी वो है कोलमार, और एक कैरी, कैरी है कोरियन एटोमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि नासा के बाद पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 पे आती है दोस्तों साइंटिफिक रिसर्च के मामले में। और कोलमार की जो कंपनी है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है पिछले कई सालों से, और 500 से ज़्यादा छोटी मोटी बड़ी कंपनियों के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है दोस्तों कोलमार की कंपनी। और ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स और हेल्थ सप्लीमेंट के मामले में दोस्तों इस कंपनी को महारत हासिल है। तो इन ये साउथ कोरियन गवर्नमेंट
ऑफ टेक एंड एजुकेशन के अंडर काम करती हैं ये दोनों कंपनियां, और ये गवर्नमेंट कंपनी होने के साथ साथ ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं आ सकती, इसलिए दोनों ने मिलकर के कोलमार बीएनएच की कंपनी बनाई जो कि प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ठीक है, 79% कोलमार कंपनी का शेयर है, 21% कैरी का शेयर है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट का फार्मूला पेटेंट होता है, रिसर्च होता है, जो भी कैरी में होता है और प्रोडक्ट बनाने का काम कोलमार की कंपनी करती है, और यहाँ से इस कंपनी से डायरेक्ट आपको आपके घर पे प्रोडक्ट मिलेगा, बीच में कोई भी नहीं है, कोई ब्रोकर नहीं है, कोई एडवर्टाइजिंग चार्ज नहीं है किसी का भी। ठीक है, तो एक सही रेट में कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग रेट में आपको प्रोडक्ट मिलेगा, डिपेंड करता है कि उस कंट्री का टैक्सेशन सिस्टम कितना है, तो टैक्सेशन सिस्टम ऐड होकर के आपको प्रोडक्ट मिलेगा, बीच में कोई भी नहीं है संस्था। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग होकर के आपके घर प्रोडक्ट आ रहा है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हब है अपने आप में एक मील का पत्थर है। अब आइए कोलमार कोरिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये जो कंपनियों की लिस्ट देख रहे हैं ना दोस्तों, ये सारी कंपनियाँ कोलमार से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है, और कोलमार कंपनी ने 9 ग्लोबल ब्रांच सेटअप कर रखी है। 1990 से लेकर के अब तक 9 कंट्रीज़ में कोलमार ने अपने प्लांट सेटअप कर रखे हैं दोस्तों, और कोलमार का जो ऑफिस है वो साउथ कोरिया में है। ODM होता है, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग, और OEM और ODM के मामले में कोरिया की जो कंपनी है कोलमार, ये नंबर वन है दोस्तों ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। और ये जितनी भी कंपनियाँ देख रहे हैं दोस्तों, कोलमार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सभी कंपनियों के साथ ऐड हो रखी है, और कोलमार की कंपनी के साथ साथ इन सभी कंपनियों का भी ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड था। अभी हम बात करेंगे कोलमार की मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, आपकी भी इच्छा होगी जानने की कि भाई इतनी बढ़िया कंपनी है तो प्रोडक्ट कहाँ पे बनते हैं। तो दोस्तों प्रोडक्ट बनते हैं कोलमार बीएनएच में। ठीक है, कोलमार बीएनएच की कंपनी में प्रोडक्ट बनते हैं जिसमें इमोइम हेल्थ केयर, स्किन केयर, प्रोपोलिस टूथपेस्ट। ठीक है, ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं इसके जो कि सारे कोलमार बीएनएच में बनते हैं। बाकी की जो पार्टनर कंपनी है, अदर प्रोडक्ट्स हैं, बाकी के जो दूसरे प्रोडक्ट हैं इन कंपनियों के सहयोग से बनते हैं, और ये जो सारी कंपनियां हैं ये अपने आप में इनके जो ब्रांड है क्वालिटी वो नंबर वन है दोस्तों, नंबर वन क्वालिटी इनकी। ठीक है, और एटोमी के साथ जुड़कर दोस्तों कितनी कंपनियों की ग्रोथ हो रही है तो आप सोच सकते हो। ठीक है, आपको नंबर वन क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया जा रहा है कोलमार बीएनएच की कंपनी के साथ, और बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं ये पूरे वर्ल्ड में ये फेमस कंपनी है उस प्रोडक्ट की, वो भी एटोमिक के साथ जुड़ कर करके ये पार्टनरशिप पार्टनर कंपनी बन चुकी है, और इन कंपनियों का भी ग्रोथ हो रहा है डे बाय डे। ठीक है, तो पार्टनर कंपनियाँ, तो दोस्तों जैसा कि एटोमिक का नाम पूरे वर्ल्ड में छा चुका है, USA के जो लीडर्स हैं वो भी एटोमी की कंपनी की तरफ एज ए कैरियर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो एटोमी के साथ जो भी कंपनी जुड़ती है उन सब कंपनियों की म्यूचुअल ग्रोथ होती है, एक साथ उन सब कंपनियों का ग्रोथ हो रहा है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है, ये जितने भी कंपनियां देख रहे हैं आप, इनके प्रोडक्ट भी एटोमी के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, और आने वाले टाइम में बहुत सी कंपनियां जुड़ेंगी, इंडिया में भी काफ़ी कंपनियां अभी सोच रही हैं एटोमी के साथ जुड़ने के लिए, तो आने वाले टाइम में भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे CJ डार्सल कंपनी जुड़ चुकी है जो इंडिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है, और CJ डार्सल कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो आप हमारे वीडियो में देख सकते हो। तो कोलमार बीएनएच के बारे में इसमें बताया गया दोस्तों, ये कोलमार बीएनएच का जो देख रहे हैं ये इसका प्लांट है। ठीक है, कैरी कोलमार दोनों ने मिल करके कोलमार बीएनएच का बनाया जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है प्रोडक्ट की। OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ODM ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। OEM और ODM के मामले में दोस्तों इस कंपनी को महारत हासिल है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जितना भी सारा काम होता है वो कैरी में होता है। कैरी कंपनी के पास 4000 से ज़्यादा साइंटिस्ट है, 1500 से ऊपर स्कॉलर्स हैं, और इनके पास एक अपनी रिसर्च की टीम है जो R&D करती रहती है। ठीक है, ब्यूटी एंड हेल्थ की जो टेक्नोलॉजी है वो R&D होती रहती है कैरी में, और प्रोडक्ट बनाने का काम है, फार्मूला रेडी करने का काम है कोलमार बीएनएच का, यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो दोस्तों OEM ODM में कोलमार की बीएनएच की कंपनी नंबर वन है। जो भी टेक्नोलॉजी है R&D का काम होता है वो कैरी के द्वारा होता है, और दोनों ने मिलकर के कोलमार बीएनएच बनाया, और यहाँ से आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है दोस्तों, काफ़ी बड़ी बात है। फर्स्ट गवर्नमेंट रिसर्च लेबोरेटरी कंपनी, ये जो कंपनी है फर्स्ट गवर्नमेंट रिसर्च लेबोरेटरी कंपनी है दोस्तों, तो सब कुछ इसके पास अपना है। 2004 में एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, और रजिस्टर्ड KOSDOQ इन 2015 में ही इसमें रजिस्टर्ड हो रखी है ऑलरेडी। ठीक है,
अब आएंगे कैरी के बारे में। कैरी का मतलब है कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। जिस तरह से नासा की कंपनी पूरे वर्ल्ड में फेमस है साइंटिफिक मामले में, रिसर्च के मामले में, उसी तरह नासा के बाद जो कंपनी आती है वो कैरी है, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये अलग अलग तरह की रिसर्च करता रहता है। जैसे हिमोइम के प्रोडक्ट की बात करें दोस्तों, तो इसके 8 साल का रिसर्च प्रोडक्ट है हिमोइम, जो कि आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और काफ़ी हेल्पफुल है। और इसके पास जो साइंटिस्ट हैं वो इसके संख्या दे रखी है, स्कॉलर्स हैं, और कॉन्ट्रैक्ट टू डेवलप कोल्ड न्यूट्रॉन रिसर्च। और इसके अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजी होती हैं जो नीदरलैंड में फैसिलिटी हैं, जैसे फ्रांस में है एरेविया, जर्मनी में न्यूकेम, रशिया में नेकेट, इसी तरह इसके पास अलग अलग न्यूट्रॉन कोल्ड न्यूट्रॉन रिसर्च की फैसिलिटी हैं। ठीक है, और ये अलग अलग जो फैसिलिटीज़ है रिसर्च की टेक्नोलॉजी, उसको यूज़ करके प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उसका प्रोडक्ट्स का फार्मूला रेडी करती है। ठीक है, हाईली रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट अराउंड द वर्ल्ड। ये जो इंस्टीट्यूट है पूरे वर्ल्ड में इसका एक नाम है दोस्तों। ठीक है, डायरेक्ट सेल्स के बारे में आइए दोस्तों। डायरेक्ट सेल्स का मतलब ये है कि जो भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाएगी, ठीक है, सीधा उसके कंज्यूमर तक प्रोडक्ट जाना चाहिए। दूसरी कंपनी में हम क्या देखते हैं, बीच में कुछ पैसा एडवर्टाइजिंग कंपनियां खा जाती हैं, कुछ एजेंट्स के पास चला जाता है, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग मॉल्स के या वैसे जो स्टोर होते हैं वो उन पे चला जाता है परसेंटेज, और कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते ना वो प्रोडक्ट काफ़ी महंगा हो जाता है दोस्तों। कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है तो एडवर्टाइजमेंट, एजेंट्स, स्टोर, इनका कमीशन होता है, कमीशन लग करके प्रोडक्ट आप तक पहुँचता है। ठीक है, तो काफ़ी महंगा प्रोडक्ट होता है आपके पास। लेकिन कोलमार BNH के द्वारा जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा उसमें कोई एडवर्टाइजिंग नहीं है, कोई बीच में एजेंट नहीं है, कोई स्टोर नहीं है, डायरेक्ट आप तक पहुंचेगा प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग यहां से होगा, यहां तक पहुंचेगा, और जिस भी कंट्री में यहां पे प्रोडक्ट पहुंचेगा उस कंट्री का टैक्सेशन सिस्टम तो इसको फॉलो करना पड़ेगा, उस कंट्री के टैक्स ऐड होकर के आपको प्रोडक्ट मिलेगा। यहां पे टैक्स हो गया, इम्पोर्ट ड्यूटी हो गया, GST हो गया, जो भी है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया FSSAI प्रोडक्ट अप्रूव करती है और प्राइस निर्धारित करेगा टैक्स डिपार्टमेंट, जो भी है, तो फाइनली आपको प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कोलमार BNH से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रखे, MRP DP का कोई चक्कर नहीं है दोस्तों। यहाँ से जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होगा उसका एक ही रेट होगा, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में एक ही रेट होगा। ठीक है, तो वो अभी जो प्रोडक्ट का प्राइस का जो रेट है वो अभी आया नहीं है, थोड़े टाइम में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों फ्री बिजनेस। तो इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अभी एटोमी का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है एज ए कंज्यूमर मेंबर हो रहा है और फ्री में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन की कोई भी फीस नहीं है अभी। ठीक है, और साल में आपको एक प्रोडक्ट बाई करना है, आपके ID सिस्टम में एक्टिवेट रहेगी। अगर आपको ज़्यादा अर्निंग करनी है तो दोस्तों कंपनी का कंपनसेशन प्लान फॉलो करना पड़ेगा। जब कंपनी ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगी अप्रैल से जून के बीच, उसके बाद जो कंपनसेशन प्लान आएगा, प्रोडक्ट का पॉइंट वैल्यू, मार्केटिंग प्लान, पॉइंट वैल्यू, प्रोडक्ट कितने लॉन्च होंगे, उसके बाद जैसे ऑफिशियल स्टार्ट होती है कंपनी इंडिया में तब आपका पे आउट स्टार्ट होगा। अभी आपका पे आउट स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि अभी आपको इंडिया की कंट्री को एटोमी ने सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन करने का दे रखा है, सिर्फ इंडिया को ओनली। पिछले 2 साल से लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं अपनी, ताकि जैसे ही एटोमी लॉन्च हो तो एक अच्छे लेवल को वो प्राप्त कर सकें। ठीक है, अभी जो 18 दिसंबर का जो लेटेस्ट हमारा विजिट हुआ था गुड़गांव ऑफिस में, तो उसके अकॉर्डिंग 18 दिसंबर तक 6 लाख रजिस्ट्रेशन इंडिया में हो चुके हैं और पर डे उस टाइम 3,000 रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, अभी ये संख्या बढ़ गई होगी। तो दोस्तों एवरीबडी टू स्टार्ट इजी, हर आदमी स्टार्ट कर सकता है सिंगल ID ग्लोबल ID के ऊपर, और कोई भी फीस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई स्टोर नहीं है इसका, कोई स्टॉक नहीं रखना आपको, कोई स्टोर नहीं रखना, ना ही आप स्टोर पे अलाउ हो, ना ही आप ब्लैक मार्केटिंग के लिए अलाउ हो कि आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय कर लिया और बेचोगे, बिल्कुल अलाउ नहीं है दोस्तों। अगर आपने प्रोडक्ट किसी भी कंट्री से मंगवा लिया है और उसको आप इंडिया में किसी दूसरे मेंबर्स को दे रहे हो पैसे में, ब्लैक मार्केटिंग बिल्कुल अलाउ नहीं है, आपको कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करना होगा। कुछ लोग कर रहे हैं वो उनका अलग बिजनेस है, लेकिन किसी को भी अलाउ नहीं है इंडिया में एटोमी का प्रोडक्ट बेचना। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है ID रजिस्ट्रेशन कीजिए, बदले में आपको पॉइंट वैल्यू मिलेगा। किसी भी कंट्री से आपको अगर प्रोडक्ट बाई करना है तो उस कंट्री से आप प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं, यू आर फ्री, और उस प्रोडक्ट का जो पॉइंट वैल्यू होगा वो आपको मिलेगा आपकी ID के ऊपर। ठीक है, और ज़्यादा प्रोडक्ट आप किसी कंट्री से लेकर के आओगे यहाँ पे सेल करोगे तो वो अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको ऑफिशियल गाइडलाइन फॉलो करनी है। कंपनी काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस मामले में। आपका जो भी पास्ट एक्सपीरियंस किसी भी कंपनी के साथ रहा हो वो वहीं पे रहने दीजिए। यहाँ पे आपको अगर काम करना है तो सबसे पहले एटोमियंस बनना होगा, और एटोमियंस बनने के लिए आपको एटोमी की टर्म्स एंड कंडीशन दोस्तों फॉलो करनी होगी।
ठीक है, कोई स्टोर नहीं है, कोई स्टॉक नहीं रखना आपको अपने पास, कोई चार्ज नहीं देना, कोई एडवर्टाइज मीडियम नहीं है बीच में, कोई एजेंट नहीं है। इनिशियल ऑर्डर, मिनिमम ऑर्डर, मंथली ऑर्डर, यहाँ पे कंपनी की तरफ से आपको कोई भी ऑर्डर फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप भाई इतने रुपए का ऑर्डर फिक्स है, आपको इतने का सामान लेना है तभी आपकी आईडी एक्टिव होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी मिनिमम ऑर्डर नहीं है यहाँ पे, कोई भी मंथली ऑर्डर नहीं है यहाँ पे, रिपर्चेज नहीं है कोई भी मंथली। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कंपनी कभी नहीं बोलेगी कि हर महीने आप रिपर्चेज करो, कंपनी ये बोलती है साल में आपको एक प्रोडक्ट बाई करना है, आपकी आईडी सिस्टम में एक्टिवेट रहेगी, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और जितने पॉइंट वैल्यू पर्सनल आईडी पे आपके आ जाएंगे वो आपके लाइफ लॉन्ग के लिए ऐड रहेंगे, बशर्ते अगले साल एक प्रोडक्ट और बाय करना है और आपका जो पॉइंट वैल्यू है वो कंटिन्यू रहेगा। तो इससे बेहतर प्लान, इससे बेहतर डिजाइनिंग प्लान कहीं नहीं है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में किसी कंपनी के पास नहीं है। ये जो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट। तो दोस्तों ये इसका जो रिकॉर्ड है, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ आपको, 2009 से लेकर के 19 तक, ठीक है। इसमें 11 से दिखाया गया है, 11 में जो एक्सपोर्ट रिकॉर्ड था काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और 100 मिलियन डॉलर दोस्तों इसका टावल अवार्ड ही मिला है इसको 2019 में, 100 मिलियन डॉलर एक्सपोर्ट का टावल अवार्ड इसके सीईओ को मिला है दोस्तों। कंपनी 2009 में सबसे पहले यूएसए में गई थी, क्योंकि यूएसए में क्या है कि काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं, वहाँ पर काफ़ी कंपनियाँ हैं, और वहाँ पर जो कंपनियाँ सब बहुत ही बेहतर कंपनियां काम कर रही है वहाँ पे यूएसए में। तो एटोमी के सीईओ का जो पहला फोकस था वो यूएसए में था, वो इसलिए कि कोई भी कंपनी अगर यूएसए के मार्केट को बीट कर जाएगी तो दोस्तों वो पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में चलेगी। तो जैसे जैसे 2009 में वहाँ पे लॉन्च हुआ यूएसए में दोस्तों, तो वहाँ पे धीरे 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 साल दो साल धीरे धीरे लोगों को एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, बिल्कुल एक्यूरेट रेट पर बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट लोगों को मिलने लगे, लोग यूज़ करने लगे। और अभी रिसेंटली हम जो यूएसए के जो टॉप लीडर रॉयल मास्टर मिस्टर जैसिम सिन, उससे हम एटोमी ऑफिस में मिले थे इंडिया में, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें बताई थी। और पिछले साल अप्रैल 2019 तक यूएसए में 224 सेल्स मास्टर, 40 डायमंड मास्टर, 7 सेरोन रोज मास्टर और 1 स्टार मास्टर बनाए वहाँ पे। तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, यूएसए के लोग हैं एटोमी की तरफ एज ए कैरियर अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं। तो दोस्तों एटोमी के साथ जुड़कर वो अपना कैरियर बना रहे हैं, सोच सकते हो आप इंडिया में क्या होने वाला है, सोच लो आप, ठीक है। इंडिया का मार्केट कितना बड़ा है दोस्तों, और इंडिया में कितने रिकॉर्ड बनेंगे, बहुत से रिकॉर्ड बनने हैं दोस्तों आने वाले टाइम में, आप देखोगे। 2011 में 5 मिलियन, 13 में 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, 50 मिलियन 2017 में, 70 मिलियन 2018 में, और 2019 में 100 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है कंपनी ने, और टावल अवार्ड जीता है इसके सीईओ ने। तो 2020 में नेक्स्ट टाइम जो स्लाइड आएगी यहाँ पे 2020 लग जाएगा, और उसमें दोस्तों ये 100 मिलियन डॉलर नहीं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 150 से 200 मिलियन डॉलर का अवार्ड जीतेगी ये कंपनी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। नेक्स्ट, ग्लोबल सेल्स की बात करें हम दोस्तों यहाँ पे, तो 1.25 बिलियन डॉलर की ग्लोबल सेल्स हो चुकी है पिछले 10 साल में, 1.25 बिलियन डॉलर है दोस्तों, ये याद रखना बिलियन डॉलर है। 2009 में 2.1 मिलियन, फिर 7.4, 11.4, 21, 303, 461, 661 मिलियन, 813, 830, 950 मिलियन, 2019 में 1.25 बिलियन 50 गुना, और 2020 में 2019 का जो रिकॉर्ड है ये है, 2020 में इसका डबल कर लो दोस्तों, ये 10 साल का रिकॉर्ड है दोस्तों। आने वाले साल जो 2020 है, इस साल कितना रिकॉर्ड होगा दिसंबर तक आप सोच सकते हो। एटोमी ओपन हो रहा है चाइना, इंडिया, वियतनाम, टर्की, कोलंबिया, सोच लो दोस्तों कहाँ जाएगा ये वॉल्यूम, ठीक है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। दूसरा ग्लोबल, 14 कंट्रीज में कंपनी का काम चल रहा है 2009 से लेकर के 2019 तक ऑलरेडी, और 2020 तक अभी 17 कंट्रीज़ में टोटल काम चल रहा है, और 30 कंट्री में इसकी जो लॉन्च करने का प्लान है वो जा चुका है 30 कंट्रीज़ में, ऑलरेडी काम चल रहा है अलग अलग कंट्रीज़ में, ठीक है। तो ये जो सारे कंट्रीज़ देख रहे हैं इसमें ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है, और इसकी जो वेबसाइट है वो दोस्तों 11 लैंग्वेज में इसकी वेबसाइट बन चुकी है, ठीक है। तो कितनी बड़ी बात है, एटोमी ग्लोबल लीफ 14 कंट्रीज़ में काम कर रही है, 30 कंट्रीज़ में अभी इनका जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, वो बहुत जल्दी जाने वाली हैं, और उन पे काम चल रहा है दोस्तों। और अभी आप कितने लक्की हो, इंडिया में
प्लानिंग हो रही है लॉन्च, चाइना और वियतनाम के मार्केट से पहले इंडिया में लॉन्च होने की प्लानिंग हो रही है, तो आप अपने जो ज्वाइनिंग है इंटरनेशनली लेके जा सकते हो। और इंडिया के बाद कितने कंट्री आने वाले हैं दोस्तों, सोच कर दिमाग लगाओ आप कहाँ पर पहुँच सकते हो इस कंपनी में, आपका लेवल कहाँ पर जा सकता है अगर आप अच्छे तरीके से काम करोगे तो। ठीक है, मेम्बरशिप, अब बात आती है मेम्बरशिप की। अभी जो लास्ट का जो डाटा है पिछले साल का, 3.5 मिलियन कोरियन मेंबर इसमें जुड़े हुए हैं, 3.5 मिलियन कोरियन मेंबर इसमें जुड़े हुए हैं, और जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग दोस्तों इसमें करोड़पति हो चुके हैं। 3.5 मिलियन में 1 लाख से ज़्यादा लोग इसमें करोड़पति हो चुके हैं, और इसमें से दोस्तों जो मेरे लेडी लीडर हैं, जो भी बहनें काम कर रही हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि लेडी लीडर के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स के एक्सपेक्ट करते हैं हम 30% के आसपास प्रोडक्ट्स हैं इसमें ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स के, तो साउथ कोरिया में 70% लेडीज़ करोड़पति बन चुकी हैं 1 लाख लोगों में। ठीक है, तो इंडिया में आप क्या कर सकते हो, जो लेडी टीम है बहुत बड़ा कर सकते हो आप। ठीक है, बहुत ही बड़ा काम कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, और आने वाले दिनों में हमारे इंडिया की जो लेडी माएँ बहनें हैं बहुत बड़ा काम इसमें करेगी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप भी बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करोगे इसमें आने वाले टाइम में। ठीक है, और 1.5 मिलियन ग्लोबल मेंबर्स है इसके, 1.5 मिलियन और 5 मिलियन एटोमी के ग्लोबल मेंबर्स हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, जैसे कोरिया, यूएसए, जापान, कनाडा, ताइवान, सिंगापुर, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, मैक्सिको, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रशिया। ठीक है, तो दोस्तों 5 मिलियन ग्लोबल मेंबर करना भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है, तो जो मेंबरशिप है डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो, एक रजिस्ट्रेशन आपने किया, 5 मिनट बाद दूसरा रजिस्ट्रेशन आप करोगे, तो उसकी संख्या कितनी बढ़ जाती है आप सोच लो। ठीक है, इंडिया में पर डे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 4000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं, एक्सपेक्टेड है अभी। ठीक है, और आने वाले टाइम में ये वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों अगर आप एटॉमिक कंपनी के साथ ज्वाइन करते हो, तो एटॉमिक कंपनी के क्या क्या प्रोमिसेस हैं वो देखिए। ठीक है, सबसे पहला है इसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब। एटोमी की कंपनी को पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब बनना है। ठीक है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब बनना है पूरे वर्ल्ड में, और हर कंट्री में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एटोमी को नंबर वन बनना है दोस्तों। ये हैंगल्स पार्क का मोटो है। ठीक है, कि मेरे को नंबर वन बनना है हर कंट्री में, एटोमी को नंबर वन कंपनी बनाना है। बिल्कुल बनेगी, 13 कंट्री में प्रोसेसिंग है, कुछ में बन चुकी है और इंडिया में भी बनने वाली है, कोई डाउट नहीं। लीडिंग प्रीमियर कंपनी, हर कंट्री की ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ की कंपनी बनने वाली है। उसके साथ साथ नंबर वन यहाँ भी रहेगी, यहाँ भी रहेगी, उसके साथ साथ शेयर कस्टमर सक्सेस, कस्टमर जितने भी इसके जो कस्टमर्स हैं, जितने भी जो मेंबर्स इसके ज्वाइन करेंगे उनकी सक्सेस, उनको सक्सेस देना, हेल्थ से, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स से, मनी से, फाइनेंशियली से अच्छी लाइफ देना, ये कंपनी का विज़न है शेयर कस्टमर सक्सेस। बिकॉज एटोमी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रॉफिट होता है 100%, उसमें से 70% पैसा टीम में बांट रही है दोस्तों, और 30% पैसा R&D में खर्च होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उस प्रॉफिट का। तो 70% आपको यहाँ दे रही है, तो कस्टमर को सक्सेस मिलनी है। ठीक है, ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूशन हब बनना है दोस्तों इसको, हर कंट्री में फास्टेस्ट ग्रोविंग कंपनी बनना है और अपने कस्टमर्स को सक्सेस देना है, यही इसका मोटो है। ठीक है, फिलोसफी देखिए आप, कंपनी की फिलोसफी बहुत बेहतरीन है। ठीक है, इसके फिलोसफी के अंदर एक्सपेंशन ऑफ कंपनी मेंबर मैन्युफैक्चरिंग, जितना भी जो मैन्युफैक्चरिंग स्पीड है अभी, उससे ज़्यादा इसको मैन्युफैक्चरिंग करना है जो भी प्रोडक्ट्स है। ठीक है, बीइंग सर्वाइवल मैनेजमेंट, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू, स्पीड, प्रिसाइज डायरेक्शन। बीइंग सर्वाइवल मैनेजमेंट, सर्वाइवल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट ऑपरेशन क्रिएटिव टैलेंट। जो बीइंग सर्वाइवल मैनेजमेंट्स का मतलब ये है कि जो भी इसके प्रोडक्ट्स हैं, सारे प्रोडक्ट्स अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के हैं, और हेल्थ के सप्लीमेंट भी काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, और जितने भी प्रोडक्ट्स का जो मैनेजमेंट है कंपनी का, डिस्ट्रीब्यूशन का, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही अच्छा है, तो आप इस कंपनी के साथ जुड़ करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी लाइफ की सारी चीज़ें बैलेंस हो सकती है, यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो अपनी लाइफ को एटोमी के साथ जुड़ कर करके, और इसकी जो रेजिडुअल इनकम है उसके साथ आप अपना पूरा फ्यूचर मैनेज कर सकते हो आप थर्ड जनरेशन तक। बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू, और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोग्राम है, इंटरनेशनली हर कंट्री में प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ऑफिशियल तरीके से, वहाँ पे ब्रांचेज हैं, ऑफिसेज हैं, सेंटर्स ओपन हो चुके हैं, तो पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंपनी का प्रोडक्ट्स का, वो पूरा बैलेंस करके रखा है और उसको बैलेंस करके ही रखेंगे आने वाले टाइम में। स्पीड, प्रिसाइज डायरेक्शन, और नए नए टाइम पर नई नई डायरेक्शन एक कंपनी की तरफ से आती रहेगी, और जो स्पीड है इसके ग्रोथ की वो भी बढ़ती रहेगी दोस्तों एक अच्छी डायरेक्शन में। ठीक है, हाउ टू
मैक्सिमाइज हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट आवर वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, आपको अपना कमाई बढ़ानी है, आपको रिच होना है, आपको सक्सेस लेनी है, आपको खुशी लेनी है, तो ये सारी चीज़ें एटोमी आपके सपनों को साकार कर सकती है। यहाँ पे जुड़ करके आप अपने जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको बढ़ा सकते हैं और आप फाइनेंशियली फ्रीडम फ्री हो सकते हैं। फाइनेंशियली फ्रीडम मिल सकता है आपको, टाइम मिल सकता है आपको, सक्सेस तो गारंटी से मिलेगी मिलेगी, और आपकी खुशी दिनों दिन बढ़ती रहेगी और एक हैप्पीनेस का माहौल रहेगा आपके सराउंडिंग्स में। थर्ड जनरेशन तक अगर आप एटोमी के साथ जुड़ते हो तो ये एटोमी आपके सपने पूरा कर सकती है, और अभी तक दोस्तों सभी के सपने पूरे किए हैं जो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। ठीक है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट आवर वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस। अब आपको डिसाइड करना है कि आप एज एन एटोमियंस, आप एटोमी का जो फैमिली है उसके साथ जुड़ कर करके आप दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं उनकी लाइफ के और उनके सपनों को आप कैसे चेंज करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ से मिलने वाली है वो आपको कॉपी करके अपने डाउनलाइन को देनी है यहाँ पे, और आपकी जो टीम का हर मेंबर है उसके सारे सपने पूरे होंगे और उसको ये सभी चीज़ें प्राप्त होगी आने वाले टाइम में। यहाँ पे सभी के सपने पूरे होंगे। ठीक है, मास्टीज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है दोस्तों। ठीक है, मास्टीज का मतलब होता है मास प्लस प्रेस्टीज प्रोडक्ट। मास का मतलब क्या है कि कंपनी का मोटो है मास में प्रोडक्शन करना और प्रोडक्ट की क्वालिटी को बनाए रखना बेहतर तरीके से, एब्सोल्यूट प्राइस एब्सोल्यूट क्वालिटी, ये इसका मोटो है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है यूजर्स के पास पहुँचे, मास में प्रोडक्शन करती है कोलमार की कंपनी, और क्वालिटी नंबर वन रहेगी इसकी। ठीक है, तो कंपनी का आने वाले कंट्रीज़ में, काफ़ी कंट्रीज़ में ब्रांच ओपन करने का प्लान है, और जो मास्टीज की जो स्ट्रेटजी है इसमें एब्सोल्यूट प्राइस एब्सोल्यूट क्वालिटी, इसके जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है दोस्तों ज़्यादा हैवी नहीं है दूसरी कंपनियों की तरह। अगर आप कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट का प्राइस बिल्कुल कंपनी ने कम रखा है और आपको पॉइंट वैल्यू ज़्यादा दी है, और जो क्वालिटी है उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कंपनी ने अभी तक। जैसे इमोइम स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था तो उसमें 24 पाउच थे, फिर 30 हुए, फिर 42, 48, अभी इमोइम में आपको 60 पाउच दे रही है कंपनी। ठीक है, क्वालिटी सेम रखी है, क्वांटिटी बढ़ाई है, प्राइस को मेंटेन करके रखती है कंपनी। तो ये इसकी टेक्निक है दोस्तों, एटोमिक कंपनी की टेक्निक है मास में प्रोडक्शन करना, बेहतर क्वालिटी देना, रीजनेबल प्राइस में देना, आपको हैवी प्राइस नहीं रीजनेबल प्राइस, इसलिए सक्सेस है। ये इसका लोगो है, एब्सोल्यूट प्राइस एब्सोल्यूट क्वालिटी, आपको रीजनेबल प्राइस में बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रदान करना, एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस एटोमिक प्रोडक्ट मास्टीज। मास्टीज इस टेक्निक को बोलते हैं, एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस एटोमिक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इस टेक्नोलॉजी से आपको मिलेंगे। ठीक है, और मिल रहे हैं अभी। ठीक है, ये इसका मतलब है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका दोस्तों GSGS, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स। एटोमिक की जो कंपनी है ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स, ग्लोबल सेल्स तो इसका टारगेट है, इंटरनेशनली जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होंगे पूरे वर्ल्ड में जाएंगे। ठीक है, उसका सोर्सिंग ग्लोबल सोर्सिंग एटोमिक के थ्रू होगा, और ग्लोबल सेल्स जाहिर सी बात है प्रोडक्ट किसी भी कंट्री में पहुंचेंगे तो सेल्स भी होना स्वाभाविक है वहाँ पे। तो ग्लोबली सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स, तो ग्लोबल सोर्स कंपनी हर कंट्री में कर रही है और काफ़ी कंट्री में प्लांट भी सेटअप कर रखी है, कर चुकी है ऑलरेडी, और आने वाले कंट्री में काफ़ी कंट्री में प्लांट सेटअप करने वाली है। ठीक है, चाइना में लॉन्च होने से पहले प्लांट सेटअप कर चुकी है, और इंडिया में भी आने वाले टाइम में सारी कुछ चीज़ें होंगी जो कि आपको टाइम टू टाइम कंपनी इन्फॉर्म करेगी। ठीक है, तो ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स इसका लक्ष्य है, ग्लोबल सोर्सिंग हो पूरे प्रोडक्ट्स की, और सोर्सिंग होगी तो सेल्स होना स्वाभाविक है। ठीक है, ताइवान ऑयल पैच एंड सैंडविच लेवल, जैसे ताइवान का जो फेमस प्रोडक्ट है जिसमें ताइवान को महारत हासिल है दोस्तों, ताइवान ऑयल पैच, ये ऑयल पैच एटोमिक कंपनी के पास है, और सैंडविच लेवल। ठीक है, ये दोनों जो प्रोडक्ट है ताइवान के फेमस प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट यहाँ से उठ करके यहाँ पे मिल रहा है आपको। ठीक है, किसी भी कंपनी का किसी भी कंट्री का जो बेहतरीन प्रोडक्ट है नंबर वन क्वालिटी का प्रोडक्ट है ग्लोबल सोल्स ग्लोबल सेल्स, तो इन सब कंट्रीज में जा रहा है ये प्रोडक्ट। ठीक है, सेकेंड है कंबोडिया ब्लैक पेपर, कंबोडिया का जब ब्लैक पेपर है जिसको आप काली मिर्च बोलते हैं वो फेमस है इंटरनेशनली, तो ये पूरे कंट्रीज में जा रही है इंटरनेशनल ग्लोबल सेल्स सोर्स और ग्लोबल सेल्स के जरिए। जापान, जापान का जो पैंटी स्टोकिंग है जो कि वेस्ट एंड हिप सपोर्ट पैंटी स्टैकिंग है, मतलब कि जो भी अंडर गारमेंट्स के प्रोडक्ट्स हैं जापान के वो फेमस हैं, लेडी प्रोडक्ट्स हो या जेंट्स प्रोडक्ट हो, वो पूरे इंटरनेशनली जा रहे हैं इस किसके थ्रू, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स GSGS स्ट्रेटजी के थ्रू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एटोमी पार्क, तो दोस्तों ये एटोमी का पार्क है,
और मेरी जो टीम वॉरियर है इससे काफ़ी लीडर्स विजिट करते रहते हैं, ठीक है। और अभी मणिपुर टीम से भी हमारे दो लीडर मिस्टर शेख एंड मिस्टर एनसीबेंस ने विजिट किया था टोमी पार्क, तो उनसे काफ़ी डिस्कशन हुआ, बताया उन्होंने, बोले ऐसा पार्क दुनिया में कभी नहीं देखा, ना कभी शायद देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो एटोमी का पार्क है 2019 में इसको मास्टर प्राइज आर्किटेक्चर का अवार्ड दिया है USA ने इस एटोमी पार्क को। तो ये देख सकते हैं आप, इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी हमारे वीडियोज़ हैं जो कि अभी हम अपलोड करेंगे, उन वीडियोज़ में आपको एटोमी पार्क के बारे में क्या क्या है, वहाँ पर वन डे सक्सेस सेमिनार चलते रहते हैं, हर वीक सेमिनार होता है वहाँ पर, ठीक है। और जो भी लोग मास्टरशिप प्रमोशन सेरेमनी होती है वहाँ पे इंटरनेशनल, एक जो भी लीडर्स अचीव करते हैं उनको वहाँ पे बुलाया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो एटोमी का पार्क है अपने आप में बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ पे पार्क के अंदर लाइब्रेरी भी है, प्रोडक्ट्स का डेमो भी है, सेमिनार्स भी होते हैं, ठीक है, बच्चों के लिए खेलने के लिए भी हैं, और फैसिलिटीज़ भी हैं, जिम भी हैं, और जो वेंडिंग मशीन्स भी हैं वहाँ पे, ठीक है, और जो रेस्ट करने के लिए भी काफ़ी अलग अलग हैं, और आपको एक्सरसाइज करने के लिए जिम वगैरह हैं, काफ़ी पॉन्ड्स वगैरह भी बना रखे हैं उन्होंने, और सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, ऑल इन वन कह सकते हैं हम इस एटोमी पार्क को, ठीक है। तो काफ़ी बेहतरीन पार्क बनाया गया है। तो दोस्तों अभी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप टीम एटोमी इंडिया टीम वॉरियर, एटोमी की काफ़ी टीम काम कर रही है, लेकिन टीम वॉरियर की जो टीम है एजुकेशन सिस्टम में नंबर वन पोजीशन पे है, और हमारी टीम 8 कंट्री से ज़्यादा में जा चुकी है, ठीक है। और अगर आप एटोमी टीम वॉरियर के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके स्टेट वाइज हमारे टॉप लीडर्स के नंबर दिए गए हैं, आप उनको कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम का पूरा सपोर्ट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। उसके लिए अगर आप एटोमी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो 20 साल आपकी एज होनी चाहिए, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आईडी प्रूफ आपके होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड ज्वाइनिंग फ्री है, और पैन कार्ड यहाँ पे आपको कंपलसरी है, पैन कार्ड नेम रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी। दोस्तों ये पहली ऐसी कंपनी है पूरे वर्ल्ड में जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैन कार्ड का जो डाटा, पैन कार्ड का नंबर आप इसमें डालते हैं तो वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, 4 से 5 सेकंड में आपका जो पैन वेरिफिकेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाटा से वेरीफाई होता है थर्ड पार्टी के थ्रू। एटोमी ने एक थर्ड पार्टी हायर कर रखी है जो कि आपका पैन कार्ड का डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट से वेरीफाई करवाता है। दोस्तों ये पहली ऐसी कंपनी है, आज तक आपने ऐसी कंपनी नहीं देखी होगी जो आपका पैन कार्ड का डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वेरीफाई करवा रही है कि ये बंदा जेन्युइन है कि नहीं, ठीक है। दोस्तों पैन कार्ड कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए, कोई फीस नहीं है, एज होनी चाहिए 20 साल, मिनिमम 20 ईयर्स, और आईडी प्रूफ भी आपको अपलोड करना है, वोटर आईडी का बैक साइड और फ्रंट साइड आपको अपलोड करना है, या फिर वोटर आईडी नहीं है तो आधार कार्ड का फ्रंट और बैक साइड अपलोड करना है, ड्राइविंग लाइसेंस का आपको अपलोड करना है, और पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक साइड आपको अपलोड करना है। ये 4 आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ में से कोई एक, बोथ साइड, फ्रंट साइड एंड बैक साइड का आपको अपलोड करना है। लाइसेंस का अभी आप 2 बार इसी को अपलोड कर सकते हो, ठीक है, आने वाले टाइम में इसके भी गाइडलाइन आ जाएगी, क्योंकि इसके भी फ्रंट एंड बैक है, आधार का भी फ्रंट एंड बैक है, इसका भी फ्रंट एंड बैक है, इसका आप 2 बार अपलोड कर सकते हो, अभी तक इतना ही बताया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आइए ज्वाइन कीजिए आप टीम वॉरियर के साथ, आपको टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम का ऑल ओवर इंडिया फुल सपोर्ट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे ग्रुप मेंबरशिप, एटोमी कंपनी क्या है कि एक बाइनरी प्लान है, बाइनरी जो पहली आईडी आपकी लगेगी उसके डायरेक्ट स्पॉन्सर में, इसके स्पॉन्सर से फर्स्ट आईडी इसके लेफ्ट में जाएगी ऑटो पोजीशन में, सेकंड आईडी इसके स्पॉन्सर से लगाओगे तो राइट में जाएगी, अब थर्ड पर्सन आप ज्वाइन करवाओगे या तो वो लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, इसका डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं लगेगा, या तो इसके स्पॉन्सर से डालोगे यहाँ पे या इसके स्पॉन्सर से यहाँ पे जाएगा। तो आपकी टीम है ये टीम ए, ये टीम बी, ठीक है, ग्लोबल ऑनलाइन मार्केटिंग है, नेशनली रीजनली आप अनलिमिटेड लेवल तक आप कमीशन उठा सकते हो, ये एक ULM प्लान है, बाइनरी प्लान है साथ में ULM, अनलिमिटेड लेवल मार्केटिंग का कंसेप्ट है दोस्तों, यहाँ पे आप अनलिमिटेड लेवल तक बाइनरी इनकम उठा सकते हैं, काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। और ये जो कंट्रीज़ हैं कोरिया, रशिया, जितने भी कंट्रीज़ हैं इनका क्या क्या आईडी प्रूफ लगेगा ये इसके ऊपर दे रखा है, ठीक है, जो भी इसमें आईडी प्रूफ लगेगा, अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग आईडी प्रूफ है इसमें, ठीक है, जितने भी कंट्रीज़ हैं। ग्लोबल मेंबरशिप, सिंगल आईडी, ग्लोबल आईडी, आप किसी भी कंट्री को ज्वाइन करवा सकते हो आप अपनी टीम में लेफ्ट और राइट प्लेस कर करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो और टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम की तरफ से ये जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको रिप्रेजेंट की है, ठीक है,
ठीक है, एक फाइल के थ्रू जो कि टीम वर्क एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट है, ट्रेनिंग का एक पार्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया होगा, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो टीम वॉरियर, तो आओ हमारे लीडर्स, स्टेट के टॉप लीडर्स हैं, इनको कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और सोशल मीडिया पे आप हमसे ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, तो आप उन पर क्लिक करके आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। एटोमी और एटोमी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी दोस्तों, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।